हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश बताऊंगे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो यार, जेई मेंस का रिजल्ट आई होप आप सभी ने चेक कर लिया होगा। जेई मेंस का रिजल्ट फोर्थ सेशन का अटेम्प्ट का रिलीज कर दिया गया 15 सितंबर को, यानी कि आज दोपहर में रिजल्ट आ चुका है। तो आई होप आप सभी ने चेक कर लिया होगा अपने रिजल्ट। तो कट ऑफ भी आपको सब बता दूंगा कि क्या था, और रिजल्ट में बेसिकली अभी थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे कि बेसिकली कैसा रिजल्ट था इस बार का। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप चाहो तो अपना रैंक और परसेंटाइल कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट सिमिलर गई, थोड़ी सी मैच कर गई थी जो भी अभी तक मैंने बताया रहा। और सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, जेई मेंस में टोटल इस बार कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे फोर्थ अटेम्प्ट में। तो टोटल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो टोटल 10 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्हें रजिस्टर किया था जेई मेंस के लिए। तो 10,48,000 है ना, यानी कि 10 लाख से ज्यादा, यानी कि 10,48,000 कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था। टोटल फोर अटेम्प्ट की बात करें, यानी कि हर अटेम्प्ट में 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने रजिस्टर किया हुआ था। ग्रेट, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि जितने कैंडिडेट अपियर हुए एग्जाम में वो यूनिक कैंडिडेट्स कितने रहे, 9 लाख थे, है ना। हम लोग की प्रेडिक्शन क्या रहे कि 10 लाख हो सकते हैं, 11 लाख हो सकते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्या हो गया, कोविड के चलते काफी बच्चों ने एग्जाम दिया ही नहीं, और ऑलमोस्ट 1 लाख यानी कि 1 से 1.5 लाख बच्चों ने एग्जाम में अपियर ही नहीं हुए, यानी कि 1 to 1.5 लाख 1 to 1.5 लाख की हम बात करें तो उतने कैंडिडेट एग्जाम में अपियर नहीं हो पाए थे। ग्रेट, तो 9 लाख कैंडिडेट्स की वजह से क्या हुआ, कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला गया इस बार का। ठीक है, इसलिए आपकी जो रैंक है, आपका स्कोर और परसेंटाइल अच्छा आया होगा और आपकी रैंक भी अच्छी बनी होगी। ग्रेट, चलो हम बात करते हैं कि आपकी एक परसेंटाइल पे कितने कैंडिडेट फॉल होंगे, यानी कि 1 परसेंटाइल पे मेरी प्रोडिक्शन क्या रहेगी, 11 से 12 हजार स्टूडेंट फॉल कर सकते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। 9,000 के करीब 1 परसेंटाइल पे कैंडिडेट फॉल कर रहे हैं, यानी कि रैंक भी इस बार आपकी अच्छी आई होगी, परसेंटाइल भी डेफिनेटली अच्छे आए होंगे। ग्रेट, तो ये रहा पूरा मतलब फोर्थ अटेम्प्ट तक का पूरा कहानी। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि जेई एडवांस के लिए आप कब से अपियर हो सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ देखो, आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको रैंक पता चलेगी, आपको कट ऑफ पता चल जाएगा। कट ऑफ को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जनरल के लिए अगर बात करें तो 87.8989% पे जेई एडवांस के लिए अपियर कर सकते हो, और ओबीसी की बात करें तो 68.2042% पे आप क्या बोलते हैं, आप एग्जाम में अपियर हो सकते हो। ठीक है, इस बार का कट ऑफ थोड़ा डाउन गया है ना, मतलब ये सबसे शॉकिंग रिजल्ट इस बार का आया है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 34.67 पे आप अपियर कर सकते हो। एससी कैटेगरी की बात करें तो 48.6, और ईडब्ल्यूएस के लिए 66.21, यानी कि परसेंटाइल इस बार काफ़ी डाउन गया है ना, यानी कि पिछले बार से और उसके पिछले बार से थोड़ा जमीन आसमान का फर्क आ गया कट ऑफ में, क्योंकि क्या कैंडिडेट यूनिक कैंडिडेट्स की वजह से ऐसा हो गया, यानी कि कट ऑफ डाउन चला गया और रैंक भी आपकी अच्छी खासी बनी होगी। और बात कर लेते हैं यार कि देखो आपका जेई देखो आपका कट ऑफ जैसे क्लियर होता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जेई एडवांस के लिए अपियर हो सकते हो। तो जेई एडवांस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। जेई एडवांस के फॉर्म कब से आप भर सकते हो, और इसकी डेट जो है बेसिकली 15 सितंबर से, यानी कि 15 सितंबर से अभी की इवनिंग से 20 सितंबर तक आप इसमें फिल कर सकते हो। आपका जेई एडवांस के लिए जो भी आपका फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हो। ग्रेट, ठीक है। अब उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपके जैसे आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह और भी चीज़ होंगी, तो वो बेसिक बेसिक चीज़ आपको लग सकती हैं। ठीक है, एसटी एससी वालों के लिए पुराना आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जितने भी हैं आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट न्यू कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए बेसिकली 1 अप्रैल के बाद का, है ना, 1 अप्रैल 2021 के बाद का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और अगर आपके पास मान लो नहीं है, अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों आपको आपका मतलब सर्टिफिकेट मिल ही नहीं पाया, आपने अप्लाई किया लेकिन आपको मिल नहीं पाया, तो आप क्या कर सकते हो, आप अंडरटेकिंग लिख के दे सकते हो। अंडरटेकिंग का जो फॉर्मेट है वो जेई एडवांस के ऑफिशियल ब्रोशर में आपको मिल जाएगा, जो एनटीए ने रिलीज किया हुआ है, तो उसको आप जाके देखोगे, उसमें ऑलरेडी सबको जो फॉर्मेट है बस आपको उसको फिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म को फिल कर दोगे आप तो उसको आप फिर सबमिट कर सकते हो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जेई एडवांस के, तो बस फिर आपको फिर किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसटी एससी वाले बच्चों के पास आपका पुराना डॉक्यूमेंट है तो वो कंसिडर किया जाएगा, वो चल जाएगा। ग्रेट, और इसकी हम बात कर लेते हैं कि जेई एडवांस की जो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 21 सितंबर की। ठीक, तो 21 सितंबर की लास्ट डेट तक आपको फीस किसी भी हालत में पे करनी पड़ेगी, तो फिर उसके बाद आप जेई एडवांस के लिए अपियर हो सकते हो। जेई एडवांस का पेपर है 3 अक्टूबर को है। ठीक है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बना दी थी कि कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। और इनकेस यार अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं भी आया तो परेशान मत होना। ठीक है, ये सब फोर्थ अटैम्प्ट थे। ठीक है, लाइफ का ये एंड गोल नहीं है, लाइफ का सिर्फ पार्ट है। ठीक है, आपको ऐसे बहुत सारे अटैम्प्ट मिलेंगे लाइफ में, कॉलेज में भी मिलेंगे, कॉलेज के बाद भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब लाइफ का पार्ट है। अगर आपका पेपर अच्छा गया चाहे नहीं गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लाइफ का सिर्फ पार्ट है, ये समझो।
ठीक है, तो ये एंड गोल नहीं है, ठीक है, आपको जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है, इसलिए कभी भी हार नहीं मानना है, डटे रहना है। आपका जो विल पावर, आपने जो एनर्जी लगाई है जिम में, इसमें तैयारी करी है, अपने अपनी आग लगाई है पढ़ाई में, बस वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद रिजल्ट वगैरह कुछ इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। एट द एंड आपका जो करेज आपने अपने अंदर जो डेवलप किया है, जो अपने अंदर पोटेंशियल आपने पहचाना है, वो इंपॉर्टेंट करता है लाइफ में, क्योंकि वही आपको आगे इंस्पायर करेगा बढ़ने के लिए। तब तक के लिए यार इसी के साथ आज को खत्म करते हैं। उम्मीद मत खोना, आपके पास बहुत ऑप्शन रहेंगे, आप बहुत आगे आओगे लाइफ में। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।